हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे घर में कैसे आईब्रो सेट करते हैं। और दो तरीका इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हमने ये पाउडर ले लिया, आप कोई भी, मैंने वाइट टोन पाउडर लिया है, आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं। और ये आपका जो है ब्रश है, मेकअप ब्रश है, डस्ट आउट करने वाला, या फिर पाउडर भी आप प्रेस कर सकते हैं। और पाउडर लगाने के बाद आप अपने आईब्रो को आउटलाइन कर दीजिए, यानी जो शेप आपको रखना है उसके अनुसार जो है आप आईब्रो में पहले हल्का लाइन खींचिए, उसके बाद दोबारा लेकर उसको डार्क कर दीजिए। जिस तरह का आपको आईब्रो चाहिए आप उस तरह से डार्क कर दीजिए। और अगर प्रैक्टिस जिनको रहता है उनको इतना डार्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये आप देख रहे हैं कितना है नीचे में, छोटे छोटे बाल निकल गए हैं। और लॉकडाउन में तो कहीं अभी जाना नहीं है आपको आईब्रो सेट करने के लिए। तो घर में दो तरीका आज हम देखेंगे। एक तो हम लोग प्लकर से इसको निकालेंगे, और दूसरा तरीका जो है धागे से। और धागे से भी मैं दो तरीके से इसमें आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग प्लकर से इसको निकालेंगे, और जब भी प्लकर से ये आईब्रोज, ये जो आईब्रो का जो आपका छोटा छोटा यहाँ पर हेयर है उसको बिल्कुल इसी दिशा में खींचें, उल्टी दिशा में आपको नहीं खींचना है। इससे दर्द भी आपको कम होता है और बिल्कुल आसानी से सारे छोटे छोटे बाल निकल जाते हैं। तो हम इससे खींच के निकाल लेंगे और फिर इसको धागा से करके दिखाएंगे। कई लोगों को प्रैक्टिस होता है, हाथ में धागा लपेट कर करते हैं, कई लोग पैर में धागा लपेट कर करते हैं। मैं आपको इसमें पैर में धागा लपेट कर और हाथ में धागा लपेट कर दोनों तरीके से दिखाने वाली हूँ, और दोनों ही सक्सेसफुल तरीका है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग के बाल को जो है ऊपर की तरफ खींचना है हमें प्लकर से, वहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लकर में लेना है और ऊपर की तरफ हम खींचेंगे। बिल्कुल सीधी दिशा में खींचना है। धागा से जब हम लोग आईब्रो बनाते हैं तो उसको उल्टी दिशा में क्रश करते हैं, लेकिन जब प्लकर से बनाते हैं तो उसको सीधी तरीके से सीधी दिशा में खींचते हैं। इस तरह से हमने प्लकर से बनाया। अब हम यहाँ पर धागा का इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं धागे से किस तरह बनाना है। तो प्लकर से और भी कुछ दो चार बाल निकाल लेते हैं, फिर धागे का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। धागे से करने से आपका जो ये नीचे का आउटलाइन होता है बिल्कुल क्लियर और क्लीन आता है, बहुत ही अच्छा बनता है। बस थोड़ा सा इसमें धैर्य की आवश्यकता है और कई बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये अचानक से हड़बड़ाकर प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि चेहरे का सबसे जो सुंदर और दिखने वाला भाग होता है ये आपका आईब्रोज ही है। इसको ध्यान में रखना है और ऊपर भी आपको क्लीन करना है इसी तरह। और आईब्रो किस तरह आप इसको कलर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं आप कई अलग अलग तरीके से, उस पर भी मैं एक वीडियो को लेकर आऊँगी। बिल्कुल इजी तरीके से, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊँगी, पेंसिल ज़्यादा उपयोगी है या फिर आपका आईब्रो किट जो आता है आईब्रो सेट करने के लिए वो ज़्यादा उपयोगी है। अब यहाँ पर हमने धागे को ले लिया और यहाँ पर मैंने पैर के अंगूठे में नीचे वाले धागे को लपेटा है, और ये हाथ में मैंने चार पाँच लपेटे इसमें लगा लिए हैं, क्योंकि मुझे पैर से बनाने का ज़्यादा प्रैक्टिस है। लेकिन मैं हाथ से भी आपको अभी बनाकर दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा इसे सेट करने में थोड़ा इसीलिए परेशानी हो रही है, मैं कैमरे में देखकर बना रही हूँ। डायरेक्ट बनाती हूँ तो जल्दी बन जाता है, लेकिन यहाँ कैमरे में देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो रही है। लेकिन बिल्कुल आसानी से और साफ़ बन जाएगा। अब ये छोटा सा आईना है, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, दोनों घुटने के बीच एक बड़ा वाला आईना लगाऊँगी, और अब मैं कैमरे में ना देखकर उस आईने में देखकर बनाऊंगी, और देखिएगा कितनी आसानी से ये बन जाता है। दोबारा मैंने पाउडर लगा लिया और अब मैं इस दोनों घुटने के बीच जो है रख दूंगी आईने को, और अब मैं इस दिशा में बनाऊंगी, और देखिएगा आप कितना फास्ट इससे बनता है। ये ट्रिक आप लोग ज़रूर आजमा के देखिएगा, ये धागे से इस तरह करने से आप, तो देखिए अब इस तरह किससे मैंने कोई भी फास्ट नहीं किया है, बस मैंने घुटने में इस बड़े वाले आईने को रखा और धागे से किया। देखिए किस तरह से ये लाइन बन के यहाँ से, और इस तरह से पूरा साफ हो गया। इस तरह से देखिए अब नीचे में कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल क्लीन हो गया। और ऊपर भी मैं इसी तरह लाइन कर लूँगी, और दूसरे आईब्रो को भी मैं इसी तरह सेट कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा आपको हाथ से, हाथ में धागे रखकर मैं बताऊँगी। तो इस तरह आप धागे में गांठ लगा दीजिए और अपना एक साइज़, जैसे कि आप 7-8 इंच का, जैसे कि आप एक बित्ता जिसको कहते हैं उतने साइज़ का ले कर 4-5 उसमें लपेटन लगा के, और वो जो गिट्ठा हमने लगाया था उसको एक साइड में कर देना है, और इस तरह आपको कैंची की तरह चलाना है। इसमें आपको बाल जो है उल्टे दिशा से लेना है धागे में, और इस तरह कैंची की तरह चलाइए। इस पे मेरा कम प्रैक्टिस है, लेकिन इससे भी बाल
आराम से निकलता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो अब इसको आप देख लीजिए, उसके बाद इस तरह से मेरा दोनों आईब्रो कंप्लीट हो जाता है। और ये बहुत ही इजी और आसान ट्रिक है, आपको बार बार पार्लर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप आसानी से निकाल लेंगे। बस थोड़ा धैर्य का ज़रूरत है, स्टार्टिंग में जब करेंगे थोड़ा आपको ज़्यादा समय लगेगा। प्लकर तो ठीक है, नीचे के बाल को आपने निकाल लिया, क्योंकि आप जब पार्लर में बनाती हैं तो वहाँ पर आप खुद अपने स्किन को पकड़ के टाइट करती हैं, यहाँ आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सारा काम आपको खुद करना है, स्किन भी टाइट करना है, धागे का भी इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर समय लगता है, लेकिन बनता है बिल्कुल पार्लर की तरह ही। वहाँ तो कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है, तो आप बस गुस्सा निकाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका इस तरह से शेप में आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर शेप में आता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। हमारे इस चैनल पे आपको हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे, हर तरह के यूज़फुल वीडियो। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ब्लॉग वगैरह का भी वीडियो मिल जाएगा। ये देखेंगे आप, दोनों आईब्रो इस तरह से सेट हो गया और अब मैं इसमें एक बिंदी लगा लूँगी और इस तरह से घर में आईब्रो बनाना हो गया कम्प्लीट। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इसी तरह के एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।